सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप नेगी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ मॉड्यूल को करने में जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी उनका कोर्स पूर्ण नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे में क्या समस्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम अभी इसमें वीडियो में देखेंगे। कुछ के साथ ये समस्या आ रही है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी अविरत उनका कोर्स को दिखा रहा है, और कुछ शिक्षक साथियों के साथ ये समस्या आ रही है कि उनका कोर्स पूर्ण दिखाने के बाद भी उनके सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पा रहे। तो ये जो तीन समस्या है, इन तीनों समस्याओं का आज हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से उसका सलूशन यहाँ पे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम दीक्षा ऐप को, जैसे हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दीक्षा ऐप को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है। तो दीक्षा ऐप में आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो मॉड्यूल एक्शन रिसर्च और कोविड-19 बचाव अनुरूप दो मॉड्यूल पे यहाँ पे मैं कोर्स कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा जो कोविड-19 है ऑन गोइंग दिखा रहा है, जबकि मेरा कोर्स पूरा हो चुका है। जैसे कोविड-19 मैंने यहाँ पे दिखाया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द कोर्स, और मॉड्यूल एक, मॉड्यूल दो और मूल्यांकन, ये पूरा हो चुका है। मूल्यांकन में भी स्कोर यहाँ पर आया हुआ है 18 में से 14 नंबर। तो आप देख रहे हैं कोर्स पूरा होने के बाद भी हमारा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो क्या समस्या है। और कोर्स हमारा जो मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल में जब देखते हैं तो यहाँ पे ऑन गोइंग इंग्लिश में दिखाता है और हिंदी में अविरत इसको दिखा रहा है। तो इसको हम कैसे कोर्स को सही करें यहाँ पे अपना मॉड्यूल को, कि ये यहाँ पर पूर्ण दिखाए या कंप्लीटेड दिखाए कोर्स। तो इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन, यहाँ पे एक नीला कलर का बटन है, ये रिफ्रेश बटन है। अगर हम इसको 5-6 बार दबाएंगे तो यहाँ से हमारा ये जो कोर्स है कोविड-19 बचाव और अनुरूप, ये हमारा पूर्ण आ जाना चाहिए। तो इसको हम जैसे रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे मैंने पहली बार रिफ्रेश किया तो ये कम्प्लीटेड आ गया है, और कम्प्लीटेड आके यहाँ पे सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मेरा एक ही बार रिफ्रेश करने में आप देख रहे हो कि यह कम्प्लीटेड आ गया, पूर्ण आ गया है। तो आप लोग भी इस नीले बटन को बार बार रिफ्रेश करके अपना कोर्स को पूर्ण कर सकते हैं, और जैसे ही कोर्स को पूर्ण करेंगे तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये देखिए सर्टिफिकेट आ गया, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट खुल जाएगा। ये अलाउ पूछ रहा है, यहाँ पे अलाउ करके यहाँ पे देखिए ये सर्टिफिकेट आ गया है। तो मैंने आपको करके दिखाया। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे पूर्ण कोर्स दिखाता है, कंप्लीटेड दिखाता है और सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो आप इसको 2-3 बार रिफ्रेश करिए ऐसे, और ऐसे रिफ्रेश से भी नहीं आता है तो ऊपर को आप अपने प्रोफाइल को ऊपर से नीचे ले जाइए, और इसको ऐसे ज़ोर से ऊपर से नीचे करेंगे तो ये ऊपर भी रिफ्रेश दिखाएगा, किसी का ऊपर भी रिफ्रेश दिखाता है, और यहाँ पे जो बटन दे रखा है इससे भी रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद भी रिफ्रेश करने के बाद भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो इसका एक और उपाय है कि आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या रीबूट करें। उससे क्या होगा कि जो टेम्परेरी फाइल्स फ़ोन के अंदर बन जाती हैं वो हट जाएंगी, और आपका यहाँ पर जो कोर्स है वो कंप्लीटेड दिखाएगा, पूर्ण दिखाएगा, और कुछ देर बाद आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो सर्टिफिकेट की जो दीक्षा में बताया गया है कि 1 से 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जनरेट होता है, लेकिन कोर्स को तुरंत करने के बाद भी सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक और तरीका बताया। एक और तरीका और है कि अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, आपका कोर्स 100% हो गया है या 95, कभी कभी क्या होता है कि कोर्स 95 दिखाता है पूरा करने के बाद भी, तो और 100 नहीं दिखाता, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको इस कोर्स को जो मैंने अभी आपके सामने किया, जैसे एक्शन रिसर्च कोर्स है ऑन गोइंग है, अभी मैं इसको करा नहीं है, तो ये एक्शन रिसर्च कोर्स है, तो अगर यहाँ पर पूर्ण नहीं आ रहा है आपके सारे उपाय करने के बाद, तो आप यहाँ से जाके उस कोर्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये एरो को जैसे मैंने किया तो रेड हो गया, यहाँ एक्शन रिसर्च कोर्स है जैसे डिलीट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा।
डिलीट करने के बाद आपको फ़ोन को दोबारा रीसेट और रिबूट करना होगा, और फिर इस कोर्स को आप दोबारा अपलोड करोगे। जब आप इस कोर्स को दोबारा अपलोड करोगे तो उसके बाद भी आपका कोर्स पूर्ण दिखाएगा। ये एक और मेथड है कि आप दोबारा से इसको अपलोड कर दें, इस कोर्स को। तो एक और मेथड आपको मैंने बताया। इसके साथ साथ एक मेथड और है कि आपका कोर्स 100% नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेट भी जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो जो तीन लाइन दे रखी है यहाँ पे हेल्प हेल्प में भी जा सकते हैं। और हेल्प में यहाँ पे देख रहे हैं आप, कई सारे ऑप्शन दिए हुए जो जिसमें आपको मदद चाहिए। कोर्स एंड सर्टिफिकेट यहाँ सिलेक्टेड है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पहला लिख रखा है आई वॉन्ट टू अनरोल फ्रॉम ए कोर्स, एक समस्या ये हो सकती है। दूसरी ये समस्या, तीसरे में कि मैंने कंप्लीट कर लिया ट्रेनिंग लेकिन मेरा प्रोग्रेस इज नॉट 100, 100 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पर समस्या भेज सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर जो दे रखा आई एम अनेबल टू डाउनलोड माई कोर्स सर्टिफिकेट, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप उसकी समस्या को यहाँ पे भेज सकते हैं। और अगर इसके बाद भी और कोई आपको इशू है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट में जाके लिख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी, चार कैटेगरी आ रखी है, तो यहाँ पे अदर इशू को आप सेलेक्ट करिए कि मेरे पास ये वाली समस्या है। तो यहाँ पे हम जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पूछेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई आई अनेबल अनेबल टू डाउनलोड माई सर्टिफिकेट। आप ये वाला मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन में इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा और आपकी क्वेरी दीक्षा को सबमिट हो जाएगी। तो ये एक और मेथड है कि इसके माध्यम से भी हम अपना जो भी हमारी समस्या आती है उसको हम दीक्षा में भेज सकते हैं। एक और मेथड है कि अगर आपका इन सारे उपायों से भी काम नहीं चल रहा है तो आप एक बार यहाँ से क्लिक करके, तीन एरो को क्लिक करके यहाँ पे आप लॉग आउट हो सकते हैं। लॉग आउट होने के बाद आप उसको फिर लॉग इन करिए, और उसके बाद आपका जितने कोर्स हैं रिफ्रेश हो जाएंगे, और उसके बाद जो पूर्ण नहीं दिखा रहे थे वो पूर्ण हो जाएंगे। किसी के साथ और समस्या आती है कि उनका ऐप अपडेटेड नहीं होता तो भी सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है, कोर्स पूरा का पूरा 100 नहीं दिखाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है अपडेट दीक्षा ऐप, ये मैसेज आया है, तो हमें पहले दीक्षा ऐप को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे तो हमारा दीक्षा ऐप यहाँ पे अपडेट हो रहा है। हर एक जो हमारे शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना ऐप को अपडेट रखें, क्योंकि तो ये बार बार अपडेट होता रहेगा। और अपडेट होने से क्या होगा कि आपका किसी प्रकार की कोई समस्या आपके ऐप में नहीं आएगी, कोई भी कोर्स पूर्ण करने में। तो ये मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार सारी समस्याओं का हल हम यहाँ अपने आप स्वयं कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, तो रिफ्रेश किया था मैंने यहाँ पे, तो हमारा सर्टिफिकेट आ गया था। और ये अब मैं एक्शन रिसर्च कोर्स करूँगा और उसमें भी मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इससे अगर आपके कोई समस्या का समाधान निकला है तो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी मॉड्यूल में किसी प्रकार की परेशानी आएगी तो उसके समस्या का समाधान आगे हम इस अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।